ओम शांति। 5/11/2023 यानी 5 नवंबर 2023 की मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज 10/3/1996 मतलब ये अव्यक्त मुरली 10 मार्च 1996 की है, जो कि आज के दिन फिर से रिपीट हुई है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, करण हार और करावन हार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख करके बाप दादा सदा बाह साथी बच्चे बाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी बाह बाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्वपुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा आप जानते हो? सेवा की गति तीव्र है व स्वपुरुषार्थ की गति तीव्र है, क्या है दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कम मिलेगी, क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली हैं वह औरों को मिलेंगी, तो अंतर क्यों? अच्छा, अपने आप को कहलवाते क्या हो, कर्मयोगी व सिर्फ योगी? कर्मयोगी हो ना, पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या है अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, कौन सा? बाप करावन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी नहीं, मैं आत्मा करण हार हूँ। तो करण करावन हार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है तो उसका कारण क्या है? करण हार के बजाय मैं ही करने वाली या बाला हूँ, करण हार के बजाय अपने को करावन हार समझ लेते हो, मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है, ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करण हार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावन हार के करण हार बन नहीं सकते हैं, डबल रूप से करावन हार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावन हार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावन हार हो करके कर्म करो, कराओ।
कर्मेंद्रियां आपसे नहीं कराबें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी कराबन हार के बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के बुद्धि के संस्कार के बस हो जाते हैं। कारण, कराबन हार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, यह स्मृति मलिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते, इसलिए सदा नेचुरल मन मनाभव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ, और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। अभी यह अभ्यास अटेंशन में कम है, सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? ये अभ्यास पक्का है? अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए? कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए, व 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो? पांडव, 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? आत्मा अलग मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग, यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी, यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे, क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे क्या? करना ही है, तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म ही है ना? तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाहना रहा हुआ है, इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्वपुरुषार्थ कम हो गया, नहीं नहीं, और ही सेवा में स्वपुरुषार्थ का अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है, पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़ करके अगर बाप दादा बिठा दें, 1 मास बिठाएं, 15 दिन बिठाएं, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दें, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ बस, फिर कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, केवल तन बैठ जाएगा।
और बिठाना है मन को, ना कि सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए कि बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई, तो एक मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, वह सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है, तो बैठ कैसे जाएंगे? जो एक साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की, वह बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना? ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन बंधन नहीं संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि एक है कर्म बंधन और एक है सेवा का संबंध, तो बंधन का अनुभव नहीं होगा, सेवा का स्वीट संबंध है, तो क्या अटेंशन देंगे, क्या ध्यान देंगे? सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस, सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते हुए भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं कि बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है, तो माथा भारी नहीं होगा, और ही कराबनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है, अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है। जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है ना, फिर होश आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सिर्फ एक शब्द करनहार और कराबनहार याद करो, मुश्किल है या सहज है? बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं? 9 लाख बने हैं, और भारत में बने हैं, नहीं बने हैं, तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बैलेंस रखो, डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी, टाइम नहीं लगेगा। प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं, और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान यानी बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय ना होने के कारण आप देवी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं, तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती, आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सी फुल हो ना, बाप को भी क्या कहते हैं, मर्सी फुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए, तो देने वाला कौन है? आप देने वाले हो ना, या लेने वाले हो? ले करके देने वाले हो, दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन करके सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी, चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है, तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी।
रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। मतलब का रहम भी होता है, किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ रहा है, तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से विशेषता से भी होता है, लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन है? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेबता यानी लेने वाली है। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो? इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं कि होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो कि निस्वार्थ रहम है, लगाव मुक्त रहम है। कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है। फिर कहेंगे कि बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा। लेकिन थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्सेंस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन है? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ हैं, सुरक्षित हैं। समझा? अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नज़दीक लाना है या नहीं? कौन लाएगा? बाप लाएगा, सभी लाएंगे, साथी हैं ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय आप साथी बच्चों के। देखो, बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है, चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना आपकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है, अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है, तो बाप का आपसे कितना प्यार है? चाहे कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है।
बनना ही है ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने बिल किया है इसीलिए बिल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण कराबन हार। पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं, लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है आज्ञाकारी बन करके बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है कि मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाता है। आज का स्लोगन है नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। अगर आज की मुरली आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूले। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।